हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट वीडियोस में। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। दोस्तों, आज है 8 नवंबर 2020 और इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास घटनाक्रम हुए थे अगर इस बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आज के दिन सन 1920 को कोलकाता में सितारा देवी का जन्म हुआ था। ये भारत की जानी मानी नृत्यांगना रही हैं और इनका नाम कथक नृत्यांगना के रूप में किसी पहचान का मोहताज नहीं है और इन्हें धनलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। ये जिस मुकाम पर रही थी वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि केवल 16 साल की उम्र में इनका नृत्य देखकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें कथक क्वीन के खिताब से भी सम्मानित किया था। आज भी लोग इसी खिताब से इनका परिचय कराते हैं और इसके अलावा सितारा देवी के खाते में पद्मश्री और कालिदास सम्मान भी शामिल हैं, जो कथक के लिए इनकी सच्ची लगन और मेहनत को दिखाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये संगीत नाटक अकादमी सम्मान, शिखर सम्मान और पद्म भूषण से भी सम्मानित रही है। और दोस्तों, बात की जाए आज के दिन निधन हुए व्यक्तित्व की, तो आज के दिन सन 1959 को लोचन प्रसाद पांडे का निधन हुआ था। ये जाने माने हिंदी साहित्यकार रहे हैं और इन्होंने हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं भी की हैं। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1887 को बिलासपुर मध्य प्रदेश में। सन 1905 से ही इनकी कविताएं सरस्वती और अन्य मासिक पत्रिकाओं में छपने लगी थी। लोचन प्रसाद पांडे की कुछ रचनाएं कथा प्रबंध के बतौर भी हैं और कुछ फुटकर। ये भारतेंदु साहित्य समिति के भी सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में इनकी खास पहचान है। आज भी इनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा ये काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति के सम्मान से भी नवाजे गए हैं। और अगर इनकी यादगार रचनाओं की बात की जाए तो उसमें दो मित्र, प्रवासी, कविता कुसुम माला, मेवाड़ गाथा, पद्म पुष्पांजलि, छात्र दुर्दशा, ग्राम्य विवाह विधान और इसके अलावा भी कई नाम शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।